राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, हीटवेव, भीषण धूप से पशुओं के पीने के लिए पानी की टंकी पड़ी लीकेज, नहीं रुक रहा टंकियों में पानी, जिम्मेदार मौत। हीटवेव को लेकर सीएम के दिशा निर्देश, पशुधन की गौशालाओं में चारे पानी की हो ठीक व्यवस्था, जिससे किसी भी पशु को पानी व चारे के लिए समस्या न हो, पानी के लिए कोई अनबोल पशु प्यासा न रहे, जिम्मेदारों पर होगी अन्यथा कार्रवाई। वहीं जबरौली गौशाला में पानी की तीन टंकियां बनने के बाद भी तीन पानी की टंकियां लीकेज, पानी भरने के बाद लीकेज टंकी से बह रहा पानी, टंकियों में नहीं रुक रहा पानी। पशुपालकों ने बताया कि काफी समय से लीकेज पड़ी पानी की टंकियां रिपेयरिंग कराने के बाद भी नहीं रुकता टंकियों में पानी, नई टंकी बन जाए तो पानी रुकने लगेगा। क्या ये जिम्मेदारों की लापरवाही से टंकियों का पानी बह रहा है या पशुधन की कमी के कारण नहीं बन पा रही है नई टंकी? राजधानी लखनऊ के मोहन लालगंज विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ पर जबरौली गौ आश्रय केंद्र में यहाँ पर जो है सीएम के आदेश पर देखा गया है कि सीएम के आदेश पर जो है उन्होंने आदेश किया है कि जो गौशालों में चारे और पानी की ठोस व्यवस्था, जबकि हीट वेव को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गौशालों में जो है पानी और चारे की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए और पशुओं के लिए जो है विशेष ध्यान जो है गौशालों का होना चाहिए। इसी कड़ी के लिए हम जबरौली हैं, जबरौली में आपको हम दिखाएंगे ग्राम पंचायत के जो गौशाले आश्रय केंद्र में पानी की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाओं को लेकर जो यहाँ पर टंकी जो बनी हुई है पानी की, वो आपको हम कैमरे में दिखाएंगे। चारा और पानी की व्यवस्थाएं लेकर जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि जो है टंकियों में पानी भी पर्याप्त है और पशु पी भी रहे हैं। और रही बात चारे की, बात चारे के लिए हम जो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जो है गौशाले के मुंशी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि जो है गौशाले में क्या व्यवस्था है चारा पानी। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने दो निर्देश दिए थे कि दो निर्देश, चारा और पानी की व्यवस्थाएँ ठोस होनी चाहिए। हम हमारे साथ मुंशी से जानकारी लेंगे कि जो है गौशाले के अंदर दो व्यवस्थाएँ कैसी हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बताएं। दिलीप कुमार चौहान। अच्छा, गौशाला ये कौन सी है? जबरौली गौशाला। जबरौली, तो जबरौली गौशाला में कितने पशु हैं लगभग यहाँ पर? 266 पशु हैं। अच्छा, 266 पशु में जैसे हीट वेव इस समय चल रहा है, नौ दिन के लिए चला है कि जो है बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रही है, इसके लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो है पानी, चारा और पानी दो व्यवस्थाएँ ठोस होना चाहिए। भारत टीवी जब यहाँ पर पहुँची तो भारत टीवी ने देखा है कि दरवाजे गौशाले के बाहर की चारे की व्यवस्था तो एकदम दुरुस्त दिख रही है, चारा काटा जा रहा है, सही पानी की व्यवस्था। तो पानी के लिए यहाँ पर कितनी टंकी हैं आपके गौशाले में? हमारे यहाँ तीन टंकी हैं। जो टंकियाँ बनी हुई हैं इसमें पानी पर्याप्त, क्या 24 घंटा रहता है? पानी पर्याप्त रहता है। टंकियाँ मजबूत हैं आपकी? हाँ, मजबूत हैं, कुछ कोई थोड़ा सा लीकेज है। लीकेज कितनी टंकियाँ हैं, सब टंकियाँ हैं या एक आधी? एक आधी लीकेज है। इसके लिए दिशा निर्देश क्या ग्राम सचिव को आपने दिए है कि जो है ये टंकियाँ अगर फिर से रिपेयरिंग ना हो नई बन जाएं? क्या इसकी ये रिपेयरिंग हुई है एक दो बार? क्या रिपेयरिंग से क्या पानी रुकता नहीं है? पशुओं को पीने के लिए पर्याप्त पानी 24 घंटा मिलता है? पर्याप्त है पानी पीने के लिए। ये इनके बनने के लिए व्यवस्थाएं रिपेयरिंग होती है कि इनके नया बनने के लिए आपने जो है अधिकारियों को सूचना दी है? इसको नया बन जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि जो है ये जो है टंकी जो है एक नई बन जाए जिससे पानी जो है रुके? हाँ, नई बन जाए पानी और अच्छा रहेगा। पानी की अव्यवस्थाएँ थोड़ा सा कमज़ोर हैं, मतलब पानी रुकता नहीं टंकियों में? हाँ, थोड़ा बड़ा रुकता तो है, मतलब पानी हम भरते, टंकियाँ छनी हुई हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हमारे वहाँ जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी जो है लीकेज है, जगह जगह से लीकेज होने के कारण जो है पानी इसमें जो है पूरा दिन पानी के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती, पूरा दिन पानी भरा जाता है जिसके कारण जो है यहाँ पर पानी छाना भी करता है और पशु जिस तरीके से पी रहे हैं वो आपको हम कैमरे में दिखाएंगे।